नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका किसी से छिपा नहीं है। जब से यूपी में योगी की सरकार आई, तब से बदमाशों, लुटेरों और माफियाओं की जान पर बन रही है। जब योगी ने माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाया तो जनता ने उनको एक नया नाम दिया, बुलडोजर बाबा। लेकिन अब जब से योगी सरकार में पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर करके बदमाशों को पकड़ रही है, तब से जनता ने योगी को एक और नया नाम दिया है और वो नाम है एनकाउंटर बाबा। जी हाँ, बुलडोजर बाबा योगी अब बन गए हैं एनकाउंटर बाबा। जिस तरह से यूपी पुलिस निडर होकर माफिया और बदमाशों के पीछे पड़ी है, उसको देखकर यूपी की जनता भी योगी सरकार के गुणगान करते नहीं थक रही। योगी सरकार में अगर कोई माफिया खुद सरेंडर नहीं करता है तो योगी के आदेश पर उसकी अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल जाता है। योगी सरकार के राज में उत्पाद और दंगा फसाद करने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हालांकि अब बदमाशों और दंगा फसाद करने वालों को भी योगी से डर लगने लगा है, क्योंकि अगर कोई दंगा फसाद करेगा तो उसके घर बाबा का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ अगर बदमाशी या चोरी डकैती करेगा तो उसका एनकाउंटर होगा। तो अब आपको बताते हैं बुलडोजर बाबा से कैसे बने सीएम योगी एनकाउंटर बाबा। आपको बता दें, बीते दिनों नोएडा और यूपी के कई इलाकों में बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की खबरें तूल पकड़ रही थी। इसी बीच कई बदमाश में तो योगी बाबा का ऐसा खौफ देखा गया कि आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी तो वापस आया और जो आते ही गिड़गिड़ाते हुए फूट फूट कर रोया है। जो उसने बोला उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। उसे बाबा मार देंगे, सर बचा लो। पुलिस जब बदमाश को गिरफ्तार कर रही थी, उसके बाद वो वहीं फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि सर मुझे बचा लो, योगी बाबा मुझे मार देंगे। ये पूरा वाक्य ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है। इससे आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बाबा योगी का काम करने का तरीका पूरे यूपी में फेमस है। अब आपको ऐसे ही दूसरे वीडियो को दिखाते हैं जिसमें बदमाश मम्मी मम्मी करके रोता हुआ देखा जा रहा है। तो देखिए इस वीडियो को। इनका एनकाउंटर हुआ है, योगी की पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया। मम्मी मम्मी करके रो रहे हैं, यानी कलेजा छोटा है, अपराध कर रहे हैं, लेकिन कलेजा कितना छोटा है ये आप देख पा रहे हैं। पुलिस के कंधों पर बदमाश कैसे रोते हुए नजर आ रहा है। योगी बाबा ने साफ कहा था, अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, वरना उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाओ। इसी बीच अब आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ। ये तस्वीर एटा की है, ये भी बाबा की पुलिस के कंधों पर, इनका भी एनकाउंटर हुआ है। इनके बारे में बताने से पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये अलीगढ़ के बदमाश है, होंडा युक्त कार बरामद की गई है इनके पास से। एटा से इनको गिरफ्तार किया गया है और वहीं इनका एनकाउंटर, उसके बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जब पुलिस ऐसे बदमाशों से निपटेगी तभी इनके अंदर खौफ का डर पैदा होगा। ये बुलडोजर बाबा का एनकाउंटर अवतार है। अब आपको कुछ तस्वीरें बुलंदशहर से भी दिखाते हैं। इनको भी कंधे पर टांग कर पुलिस ला रही है। इनका नाम सौरभ गुर्जर है और ये सिख सिर्फ सौरभ गुर्जर के लिए नहीं, सौरभ गुर्जर जैसे जितने भी अपराधी हैं ये सिख उन सब के लिए है। एक दिन देखाती है और लूट करोगे, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन बख्शे भी नहीं जाओगे। इसी बीच आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है मुजफ्फरनगर से। देखिए सारी बदमाशी निकल गई है, ये भी पुलिस के कंधे पर ही है। इनका नाम विवेक चौधरी है, मुजफ्फरनगर में इनका एनकाउंटर हुआ है और इन्होंने एक परिवार को फोन करके धमकाया, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और खुद को बताया था कि मैं गैंगस्टर विवेक चौधरी हूँ। तमंचा और बाइक इनके पास से बरामद हुई है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बाबा बुलडोजर अब एनकाउंटर बाबा बन चुके हैं।
यूपी में अब बाबा की बंदूक बोल रही है और कैसे बोल रही है वो तो आप देख ही चुके होंगे। मुठभेड़ में अब तक 168 अपराधी अब तक ढेर कर दिए गए हैं। बाबा के इस एक्शन का नाम पता लोग